बाबा इनकी मौजे हैं जी, सुकून से रोटी बनाई अभी लेके आ गए, बच्चे भी और ये सब अभी सुकून से देखें खा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह गोश्त वीआईपी। अभी एक मेरे ख्याल मेरे ससुर जी की और एक मेरी, ऐसे ना? तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बैठक का जो डोर है वो लग चुका है। खुश रहे हैं बाद में तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सब तो अभी जो हमने कढ़ाई में घी जो है वो ऐड कर दिया है और इसे जो अच्छे तरीके से गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद इंशाल्लाह मसाले ऐड करेंगे। जी माशाल्लाह अभी सबसे पहले हमने टमाटर और प्याज जो है वो ऐड कर दिए हैं। मैडम जी जो है वो चमचा घुमा घुमा के मार रही है कि आज हमने सालन वीआईपी बनाना है, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे के बाद ससुर जी ये चीज़ें लेके आता हूँ, लेकिन जब अच्छी ना बने ना दिल टूट जाता है, फिर मैं 6-6 महीने इनको सजा देता हूँ, लेके ही नहीं देता। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त होता है, वैसे बात कर रहा हूँ आपको पता मेरी आदत है। वो तो मुझे पता है, आप आदत से मजबूर हो, जब तक बात ना करो आपको सुकून नहीं आता, आपकी रोटी हजम ही नहीं होती। हाँ, क्योंकि आप गुस्से में बहुत अच्छी लगती है ना, इसलिए। अभी जी हो रही है मिर्ची ऐड, ये देखें मिर्ची डाल दी, उधर भी आग लग गई है सबा, परली साइड पे देखो वो मैंने लगाई है। अच्छा हाँ। तो अभी चम्मच ये पकड़ो आप यार, खुद मिक्स करो, घंटा हो गया, पता नहीं कहाँ चली गई थी आप। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है, आपको पता है दवरी मलाई। हाँ जी सही बात है। अब जी अदरक लहसुन का हमने पेस्ट का पानी डाला है ना, इसमें शोर शराबा मच गया। हाँ जी, क्योंकि वो सूखे पड़े थे ना, जब पानी ठंडा डाला तो हाँ जी ऐसा। हाँ जी माशाल्लाह जी, अभी गोश्त जो है ये सब मुकम्मल तौर पे गल चुका है ना? नहीं अभी मजीद गलेगा। हाँ। अच्छा, ये मतलब जो इसका खून वाला पानी था ना वो सूखा है। अच्छा, पानी में आपने पहले इसे बॉयल किया है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, अभी जो है इसमें बनाएंगे, इसकी हवा स्मेल वगैरह नहीं होगी। अभी जी हमने ऐड कर दिया है, ये अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। हाय 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 हाय, मज़ा आएगा आज वैसे खाने का ना? बिल्कुल इंशाल्लाह। वैसे एक तो काफ़ी अरसे के बाद बनाया है, दूसरी बात यह है कि टेस्टी बना रही है। हाँ जी हुकुम प्यारे भाई, देखने आता क्या बन रहा है। जो कुछ भी बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन रहा है भाई। खिलता क्यों है? हाँ सर आओ। अच्छा आपने क्या बनाया? आपको मैंने कहा था गोश्त ले आऊंगा आपके लिए, आपने कहा नहीं जी। हमने आलू मटर बनाया है भाई। पता है क्या, मुर्गी 550 रुपए किलो, गोश्त 550 रुपए किलो। तो ये बड़ा गोश्त है? हाँ जी कट्टे का। फिर सही है, फिर लेंगे जब ये लेंगे। हाँ मैंने तो कट्ठा लिया है, आधा मन। आधा मन फ्रिज में रख दिया, पकाते रहेंगे। सही है। अभी जी इसको दम पे लगा के हमने छोड़ दिया है और इधर से आटा वगैरह भी गूंद के ओके हो चुका है। अयूब क्या कर रहे हो? साइकिलिंग खेल रहे हो जी। वाह जी वाह। बेबू कैसे हो, ठीक हो?
आपके पैरों में जूती नहीं है, शाम हो गई है, जूती पहनो। चलो जूती पहनो। क्या हुआ, पैरों में दर्द है? अच्छा आप ऐसा करो, पैर धो के ना फिर अभी बेड पे सो जाओ, ठीक है? दर्द हो रहा है? अच्छा ससुर जी जो हैं वो वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं सारी, यहाँ पे खड़े होकर आप चेयर पे बैठ जाए ना। नहीं बैठ सकता। क्यों? ये चार्जर की लीड छोटी है। वो 300 लगा के बेड पे बैठ जाओ, इधर बेड पे आप बैठ जाओ सुकून से। वो जो है वो लीड आपको लगा देता हूँ। नहीं इधर सही हूँ, बल्ब का सेक आ रहा है, सर्दी है ना। अच्छा उधर आपको अगर हीटर लगा दूं बेड पे तो फिर सड़ गया इसका एक राड काम भी नहीं करता। एक राड चंगी धूप देता है? नहीं देता, रात सारी रात सर्दी लग जाएगी। मतलब आप यही खड़े हुए अच्छे लग रहे हो, ये बताओ ना। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलें जी, आपकी मर्जी है जी। माशाल्लाह जी, इधर रोटियां बना रही हैं। क्या हाल है भाभी जान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तबीयत सिया ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हो? अल्लाह पाक का करम है जी, शुक्र है। और ये तो रोटियां बना रही हैं, सालन बन गया? जी सालन बन गया। क्या बनाया आज? आज आलू मटर बनाया। मैंने भी कहा आज इतनी अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं। हाँ, पता नहीं क्या मसला। आज तो बिल्कुल आपको अच्छी भी नहीं लग रही होगी। हाँ जी, क्योंकि आज अच्छी चीज जो नहीं बनी। हाँ जी, लेकिन मैंने अच्छी चीज बनाई हुई है। क्या बनाया? अब मेरी तारीफ शरीफ करो। आज क्या बनाया पहले बताओ। आज बनाया है जी गोश्त और आलू। माशाल्लाह। गोश्त और आलू? हाँ जी, आलू फेट किए है ना अंदर। अकेला गोश्त पकाते हैं तो आलू क्यों फेट किए? वो असल में महंगा बहुत है ना, फिर मैंने कहा गुजारा करना है। अच्छा। हाँ जी माशाल्लाह, आप बहुत अच्छे हो। ऐसे ना भाई जी जी, आज माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज मैं क्या करूं, मुझे खुद आप भी अच्छे लग रहे हो। सबा भाभी कहाँ बैठी है? वो भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, वहाँ पर बैठी थी। मैंने कहा आज मुझे इतना अच्छे क्यों लग रहा है? वो आज ना मैंने नहाया है, न्यू ड्रेस पहना है ना, इसलिए। माशाल्लाह, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। जी जी, भाई कहाँ है? वो कमरे में बैठे। जो बंदा 6 रजाई में घुस जाए ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। कच्चा से यार, काम यार अजीब लग रहे हो वैसे आज, बिल्कुल भी यकीन कर। आज मुझे ना आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अच्छे। तो हो सकता है अच्छे लग रहे हो, इससे भी मजीद अच्छे लगो थोड़ी देर बाद। अच्छा तो लगूंगा, गोश जो बन रहा है। इसलिए तो कह रहा हूँ यार ना, इतने ये टाइम होता है व्लॉग बनाने का, रात की रूटीन बड़ी टाइट होती है यार। वो आपकी बात ठीक है, मैं पहला व्लॉग अभी अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर, रजाई में घुस के इधर ना MB सही आती है, ये देखे ना 4.65 MB तक आ रही है। चलो बाहर आती नहीं है। ठीक हो गया जी, इस घर में पहुंच गया जी। इस घर में अंधेरा ज्यादा होता है रात के टाइम ना, लेकिन उधर जा। ये अम्मी इधर क्या करने आई है? आपकी अम्मी है, हमारी नहीं हो सकती। मेरी अम्मी है, आपकी सासू अम्मी है? नहीं, हमारी डबल अम्मी है। सासू अम्मी है, अम्मी है, सास है, अम्मी है, बहुत कुछ है। हाँ। छोड़ी दानी जड़ी गल की कर। दानी। अच्छा अम्मी क्या करने आई है? क्या करने आई है अम्मी? दूध लेने। दूध लाना। तो आपने ना जो पकाया है ना, हाँ। वो भी दे देने हैं, ताकि ये जा कर ही ना। हाँ जी, खा लें। हाँ जी, अम्मी भी और अबू भी साथ मिलके। ये अम्मी अम्मी दूध खुद पीती हैं या अबू पीता है? अबू तेरा पीता है। अच्छा अच्छा, आप आपके यहाँ से आप देते हैं अबू को दूध? हाँ जी। सही है, ये फुल है गेलन? हाँ, अभी लेकर आया है मेरा। ताज़ा गरम गरम होगा? गरम गरम। सही है। मैं ये अम्मी को ना, मैंने कहा पता नहीं अम्मी कहाँ चली गई, वहाँ पे ढूंढा, न्यू घर में गया वहाँ पे ढूंढा, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, अकरम भाई वालों से ढूंढा, मैंने कहा मेरी अम्मी कहाँ चली गई है। अब भी पता चला अम्मी यहाँ दूध लेने आई है। चलें, बहुत खुशी की बात है। और जनाब क्या बनाया आज? आज बनाया है वेजिटेबल राइस। चावल? वेजिटेबल राइस, वही राइस होती है जो जिसमें सब्जियां मिक्स होती हैं। अरे देखेंगे ना, वात लिसकना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लिसकाओ फिर आ जाओ। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह बच्चे देखें। अल्लाह के बंदे, वात लिसकवाने के लिए तो बैठा हूँ, ये देखें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह, वाकई यार वात लिसका है कि नहीं? महू लिसके, दिल करता है खा ले, लेकिन मेरे घर बड़ा गोश्त बन रहा है। चलें ये मिक्स करके खाएंगे ना।
हमारा तो भाई 11-12 बजे पकेगा। तो फिर क्या है, हम ये कौन सा अभी खाएगा, बच्चों को बांट देते हैं। अच्छा, हम तो हजार हुसैन का मिलाद खा के आए अभी तक खोले। सही सही सही, चलें जी, गुड हो गया। आपने क्या बनाया? एक मिनट रुकना। आपने भी यही खाएंगे कट्ठे? हाँ, बनाया मिलके बनाया। हाँ, मिल जो चीज अच्छी होती है ना वो फिर आप कुछ नहीं बनाते, कहते हैं ये कट्ठे खा लेते हैं। अगर ये अच्छी चीज बनाएंगे ना तो हम कुछ नहीं बनाते, अगर हम अच्छी चीज बनाते हैं ये कुछ नहीं बनाते, क्योंकि बच्चे तो रहते नहीं है, फिर इको घर है ना, फिर दोनों एक साथ खाते हैं। सही है। और बाकी जो होती है ना ये सब्जी सब्जी और ये चीजें, ये फिर हर की अपनी अपनी बनाना है। सही है। ये ले अम्मी, अम्मी दोनों उठा, नहीं रख दो, कुछ नहीं होता, वो अभी सर्दी है ना, वैसे भी गर्म चीजें अच्छी लगती हैं। गर्म नहीं है। अच्छा, चलें जाकर ये नाश्ता, अब्बू तो मुश्किल ही खाएगा क्योंकि वो कहेगा गोश्त पक रहा है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, बैठक का जो डोर है वो लग चुका है, एक कुंडी नीचे, दो जो है ये लाख ऊपर लगे हैं, अभी एक लाख मजीद इधर सेंटर में लगेगा, वो हैंडल वाला लाक होगा, और बाहर भी आप चाबी लगा सकते हैं। तो माशाल्लाह अभी जो है ये लग गया, बाकी डोर जो है वो तकरीबन उस्ताद साहब कह रहे हैं 15 दिन के बाद तकरीबन, और खाना भी लग चुका है, अभी वो खाना खा के फिर वो चले जाएंगे अपने घर और हम चले जाएंगे अपने घर। माशाल्लाह अम्मी जान, मुबारक हो मुबारक हो, डोर लग गया है बैठक का, वो दरवाजा लग गया है बैठक का। अच्छा, माशाल्लाह कुंडियां शुंडियां लगाएंगे अभी, ठीक है जी, सन्नाटा हो जाएगा। हाँ जी, अब वो सारा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह माहौल सेट हो गया है, और वो जो मेन दरवाजे हैं उनको भी बाहर से लाके जो है वो कल लग जाएंगे इंशाल्लाह, आज बिजली नहीं थी ना, वरना आज लग जाते। हाँ जी, तो चाय को कितनी देर है? नहीं, चाय होना अभी चढ़ाई है, अभी तो दूध भी नहीं उबला। हाँ चलो ठीक हो गया जी। ओए मोहम्मद हसन, उल्टी कर दी इसने। हाँ। अल्लाह, क्या हुआ इसको? कुछ नहीं बाबू, आपको पता था जैसे दूध पीता है तो सारा निकाल, मतलब इसको ना गैस की प्रॉब्लम है। हाँ। तो दवाइयाँ वो गैस वाली पिला रही है? हाँ पिला रही हूँ। अच्छा। दूध पिलाने से पहले 10-15 मिनट पहले पिला के फिर बाद में दूध देती हूँ, फिर भी वो निकाल देता है। गैस की प्रॉब्लम है ना। हाँ। चले बेबो, गोश्त बन गया? इसकी एक ही रहा वो है। क्या? अंडे दो। तो दो उसको अंडे, उबल रहे हैं, क्या करूँ? हुई बीबू, दादी अम्मा तेरे अंडे उबाल रही है। दे क्या है? अच्छा, खुद दे क्या है? हाँ, एक अयूब को दिया, कहते ये एक आप उठा लो, दो मैं बुलवाऊंगा, तो एक अयूब ने दादी को दिया, एक अयूब बुलवा रहा है, दो ये। अच्छा अच्छा। हाँ जी, अब कहते जल्दी से दो, अब बुलेगी तो देंगे ना। हाँ। ये उधर टांग दो। अच्छा, चलो फिर उधर भी बुलाना। तो जी हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है, और इसमें हमने आलू भी ऐड किए हैं, और अभी जो है हम ये पूरी बाल्टी, ये शोरबे के लिए। हाँ जी, आपको पता है ना अम्मी, अब शोरबे वाला खाना। हाँ, और वैसे सर्दियाँ शोरबा पीने से गर्मी होती है। हाँ जी, तो फिर अभी भी खाएंगे, सुबह भी खाएंगे। हाँ जी, आपको तो पता है फिर। हाँ। जबरदस्त बन जाता है, टेस्टी। हाँ, आपकी हरकतें बाज नहीं आने तो इंशाल्लाह। यार ये फंसी हुई है ना नीचे, ये लकड़ी फंसी हुई थी, अल्लाह पाक ने आपकी टांग में रस्सा डाल दिया। तो चलें जी, अभी जब इसका वीआईपी इंशाल्लाह ये जब शोरबा बन जाएगा ना, फिर जबरदस्त होगा इंशाल्लाह, गोटियां मारेंगे। हाँ चले, मैं फिर जा रहा हूँ मिस्त्री के पास। अब हम हर चीज जो करें बस आप इंतजार ना करें। जी जी, मैं आ रहा हूँ फिर। माशाल्लाह जी, अभी रोटी पकना स्टार्ट हो गई है, सालन बन गया। हाँ जी। तो धनिया डाला सालन में? ये रखा। याद दिलवाया ना आपको, तो भूला पड़ा था। अभी तक अंडा नहीं उबला, गरीब को दे दो। ठंडा पानी अम्मी उबाल रही है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह गोश्त वीआईपी। अभी जी हमने धनिया भी ऐड कर दिया है, अभी इसको करेंगे मिक्स। बड़ी जबरदस्त खुशबू है सब, सालन की क्या ही बात है, आई प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और तवा भी इधर चढ़ गया जी, अभी रोटी पकना हो गई है स्टार्ट। मैं बेबो के लिए लेकर आता हूँ अंडा, जल्दी ले आओ, छीलो। ठीक है जी, आप छिले सो? हाँ, वो खुद छिलेगा। अच्छा,
पहली रोटी जी डाल दी है, तो अभी जो है रोटी पकना स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल। खैर अम्मी जान, आज थरमास नहीं पूरा भरा। ये फुल है ना, ये वाला थरमास, ये वाला जो है ये अधूरा है। चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। बेबो का अंडा उबल गया अम्मी? हाँ, ये दो अंडे उबले लाते हैं। तीन अंडे थे ना? ओ है कुआ क्या, यो उम्मीद है, ओ है कोता। अच्छा, यो ले गया आप? हाँ वो बैठा है, ये दो बेबो के कभी खाएगा एक्चुअली। अरे ये किसके लिए है? बाबा हर कोई अपनी रोटी और सालन लेके खा रहा है, हम दोनों खड़े हैं, कोई पूछता ही नहीं है। हाँ, इसलिए तो समोसे खाए ना, उनको पता है ना भूख नहीं है, इसलिए 10 बजे खाएंगे हम, इकट्ठे खाएंगे फिर। बाबा इनकी मौजें हैं जी, सुकून से रोटी बनाई, अभी लेके आ गए बच्चे भी, और ये सब अभी सुकून से देखें खा रहे हैं। हम हैं, पता नहीं हमें कब नसीब होगी। हमने टाइम से बनाई है, फिर मेरे बच्चे रो रहे थे, मैंने कहा चलो मैं अपने बच्चों को, मतलब हम भी टाइम से बनाएं और खाएं। नहीं यार, आपको भी मिल जाएगा, आपको पता है जब बच्चों को सुला दूंगी फिर सुकून से खाते रहेंगे। चले जी ठीक है, बच्चों को खिला लो बस, और कोई बात नहीं। हमारी खैर है, बच्चे इंशाल्लाह खा पी कर सोए ना, दिल खुश हो जाता है, क्योंकि रात को फिर तंग नहीं करते। ले आओ इनके लिए ना। अच्छा अभी लेके आता हूँ जी। हाँ जी, जल्दी आओ। माशाल्लाह, इधर अब्बू जी भी माशाल्लाह खा रहे हैं, वो भी चादर डाल के, तो गोश्त का मजा ले रहे हैं, VIP गोश्त बना हुआ है माशाल्लाह। और इधर हसन जो है वो मैंने अभी अभी अम्मी को दिया, क्योंकि अम्मी फ्री होकर आ गई हैं चाय वगैरह बना के, क्योंकि उधर सबा जो है वो रोटी वगैरह खा रहे हैं ना सब, तो हम जब असर रोटी वगैरह खानी है ना। हाँ, जब वो रोटी खा लेगी ना फिर बेबी उसको दे देंगे, फिर हम सब खाना खाएंगे। तो मार खाने गया और कुछ नहीं है ना। किससे? अच्छा अच्छा क्या मैं, इतना तकड़ी तो नहीं हुई, मैंने कहा ये क्या बोल दिया आपने, कटोरियां खैर है आपके साथ में मरने के लिए, मारो फिर। नहीं, वो सालन डालने के लिए। माशाल्लाह जी, अभी एक मेरे ख्याल मेरे ससुर जी की और एक मेरी, ऐसे ना सबा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक तेरे अबू जान का है, एक मेरा सालन है। हाँ। अभी हम खा लें तसल्ली से रोटी जी। बिल्कुल, चले मैं लेके आ रही हूँ। पहले मैं पानी वगैरह भी तो भरत के रखूं ना अंदर, फिर पानी कैसे मांगूंगा? कैसे, अपने मुंह से? और कैसे फिर, कौन लेके देगा पानी? वो पैप खींच के दे दूंगी, पीते रहना। वही तो बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने जग में भर के रख लूँ, क्योंकि पैप ये कोई तमीज तो नहीं है ना। नहीं, जब पीने के लिए कहोगे मैं टोटी चला दूंगी। वही गलत बात है ना, अंदर कमरे में सारा पानी हो जाएगा। नहीं, वो मैं पोछा मार लूंगी यार, खत्ता में खुद इना पता नहीं, तो आपको पता खत्ता मत भावे जी राखो जो अभी जी हम यहाँ चटाई पे बैठेंगे, जहाँ पर सबा ने बैठ के खाना खाया हम भी। अभी और तो खाओगी ना आप? नहीं, मैं आज भी खा लिया था मैंने। शुक्र है तेरा, राज ठीक है, करी जिंदगी रज्जी का नाम है आज, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रज्जी हुई हूँ और राज भी थी। हाँ, मैं भी थोड़ा सा खाना, एक रोटी खा लेते हैं बस, पेट तो फुल है, हमने समोसे खाए, चावल खाए, बहुत है, बहुत। अच्छा बैठो, मैं थर्मास पानी के लिए आती हूँ। हाँ, अम्मी आपने रोटी खा ली? नहीं। आप भी खा लो ना, फिर वो बोटियाँ खत्म हो जाएंगी। हो जाने। हाँ खत्म हो गए थे, जैसे खत्म हो गए थे क्या, वही टाइम से आप खा लेना। टाइम से मेरे को आम देवन में खाना। सबा अम्मी को भी रोटी दो, रोटी और सालन, सही हो गया जी। आ जाओ जी। बेबो भी सो गया, अयूब भी सो गया, ओ वसीम जागदा पे, अयूब इधर बैठा है। हाँ, ये भी बैठा है, ये भी अभी सब बैठे हैं, मुखलिस साहब इधर बैठे हैं, अम्मी जान इधर बैठी हैं, अब्बू जान बैठे हैं, असलम खान बैठा है, और सब जो हैं वो असलम खान का व्लॉग देख रहे हैं। वेजिटेबल राइस बन रही है जी, लेकिन इधर साहब नहीं नजर आ रहा, इनकी खुद की वीडियो देख लें, असलम खान भी लोग पे इसने वेजिटेबल राइस बनाई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सुबह, तब तक के लिए पाकिस्तान पाक फौज।
सब बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय।